अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं तवक्कलना की तरफ से मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये नोटिफिकेशन क्यों आया है, जब हमने सेकेंड डोज वैक्सीन लगवाया है। अगर आप लोगों ने भी लगवाया होगा तो आपके पास इस तरह से नोटिफिकेशन आया होगा। जब भी आप तवक्कलना को ओपन करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन आता है और यहाँ पे आपको बधाई देता है कि मुबारकबाद हो कि आपने डबल डोज वैक्सीन बुक कर लिया, यानी अपॉइंटमेंट लेकर वैक्सीन लगवा लिया है। मुबारकबाद हो आप लोगों को। बहुत भाई का कंप्लेन आता रहता है कि हमने सेकेंड डोज लगवा लिया लेकिन मेरे तवक्कलना में इम्यून का ऑप्शन नहीं आया, कब आएगा कैसे आएगा, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो फाइनली हमने कोरोना वायरस का सेकेंड डोज मुकम्मल कर लिया है। आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं और कुछ लोग तो ऐसा स्टेटस लगाते हैं, इस तरह से जाते हैं और फोटो खींचते हैं साथ में, उसके बाद कुछ लोग वीडियो भी बनाते हैं और साथ में उस लड़की का भी फोटो खींच लेते हैं। क्योंकि जब भी आप वैक्सीन लगाने जाते हैं तो अक्सर करके लड़की वैक्सीन देती है, ये नियम है या क्या है? बहुत कम मर्द देता है, ज्यादातर लड़की या औरत देती है। पता नहीं इससे दर्द कम होता है या क्या होता है, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में। लेकिन कुछ लोग इस तरह से स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या टिकटॉक पे, लग रहा है ये हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं, कभी भी इनकी मौत नहीं होगी। तो इस तरह से आप लोग ना करें, दिखावा करने चाहिए लेकिन इस तरह से ना करें और इतना बिंदास भी ना रहे, कोरोना नहीं होगा ये अच्छी बात है। बहुत भाई कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद लापरवाह हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी मौत तो अब नहीं होगी, तो बिंदास गाड़ी चलाते हैं, कहीं भी बिंदास निकल जाते हैं। तो इस तरह का गलती न करें। आपकी मौत अगर कोरोना से नहीं हुई तो एक्सीडेंट से हो सकती है, ये याद रखे। कहीं भी जाते हैं तो सावधानी से जाए, और सेकेंड डोज लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, ये याद रखे। तो एहतियात रखे, कहीं भी जाते हैं तो सावधानी से मास्क लगा कर जाए। ऐसा नहीं है कि बिंदास आप कहीं भी सीना तान कर चले जाए, ये मैं मजाक कर रहा था। आप लोगों को हमेशा अल्लाह सलामत रखे और हमें भी सलामत रखे और आप लोगों को भी सलामत रखे। तो ये मैं मजाक के तौर पर बता रहा था। कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं, मैं भी लगाया था, लेकिन इस बार जब मैं वैक्सीन लेने गया था तो मैं फोटो वीडियो कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे भी तवक्कलना में डायरेक्ट इम्यून का ऑप्शन नहीं आया। मैं भी परेशान हो गया कि भाई मेरे तवक्कलना में कब तक आएगा। मैं काफी देर इंतजार किया, उसके बाद मेरे तवक्कलना में इम्यून का ऑप्शन आ गया। उसके बाद कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हम सेकेंड डोज वैक्सीन ले लिए हैं लेकिन अभी तक मेरा मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है। पहले ही वाला दिखा रहा है, सेकेंड डोज का मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप सेकेंड डोज का अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसके बाद वहां पे जाते हैं वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन लगवाते हैं, 5 मिनट के बाद आपके सेहती में तवक्कलना में अपडेट कर दिया जाता है। तवक्कलना में इम्यून का ऑप्शन नहीं आता है डायरेक्ट, लेकिन सेहती का जो मेडिकल रिपोर्ट है वहां पे भी क्लिक करेंगे तो वहां पे दिखाई देगा। और तवक्कलना में भी जाकर देखेंगे, COVID-19 वैक्सीन में या हेल्थ पासपोर्ट में जाकर देखेंगे, वहां पे आपका जो सर्टिफिकेट है अपडेट कर दिया जाता है, बहुत जल्द कर दिया जाता है। क्योंकि हम जुबेल जनरल हॉस्पिटल में लगवाए तो वहां पे 5 मिनट के बाद मेरे सेहती में तवक्कलना में अपडेट कर दिया गया। लेकिन जो इम्यून का ऑप्शन आता है स्टेटस, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस का जो ऑप्शन आता है वो डायरेक्ट नहीं आता है। हमारा जो अपॉइंटमेंट था 12 बजे का था, दिन के 12 बजे, और हमारा जो स्टेटस है तवक्कलना का 1:53 पे, जुलाई यानी 25 जुलाई आज 1:53 पे मेरे तवक्कलना का स्टेटस ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अगर आपका चेंज नहीं होता है तो आप अपने वैक्सीन सेंटर जाए जहाँ पे आपने वैक्सीन लगवाया है, वहां पे जाकर फिर से अपडेट कराए, आपके तवक्कलना में स्टेटस आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे तवक्कलना का जो हेल्थ पासपोर्ट है वो भी क्लियर हो चुका है, सेकेंड डोज मुकम्मल हो चुका है और हमने दोनों डोज फाइजर का लगवाया है, किसी और कंपनी का नहीं लगवाया। क्योंकि एक ही हॉस्पिटल में मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया था और वहां पे सिर्फ फाइजर लगता है, तो फाइजर या किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। क्योंकि बहुत भाई का कमेंट आता रहता है कि हमने पहले किसी और कंपनी का वैक्सीन लिया था, क्या आप दोबारा किसी भी कंपनी का ले सकते हैं? बिंदास ले सकते हैं, क्योंकि वजारत सेहत की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है किसी भी कंपनी का आप वैक्सीन ले सकते हैं जो सऊदी अरबिया में अवेलेबल है, बिंदास बुक करके ले सकते हैं। उसके बाद सेहती में भी आप लोग देख सकते हैं मेरा मेडिकल रिपोर्ट आ चुका है, या स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में इसको सेव करके रखे, ताकि सऊदी अरबिया से आप जाएंगे छुट्टी पे या फाइनल एग्जिट पे जाएंगे तो आपको कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि पीसीआर टेस्ट जो होता है 72 घंटे का होना चाहिए। क्योंकि जो लोग भी सेकेंड डोज मुकम्मल करवा लिए हैं, बहुत ऐसा केस आया है कि उनको दोबारा कोरोना हुआ है, लेकिन बहुत कम चांस होता है मरने का, वो रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद जो लोग भी उमरा करने जाना चाहते हैं तो आज 25 जुलाई है, आज से स्टार्ट हो चुका है उमरा, अपने तवक्कलना से या इतमाना से बुकिंग कर सकते हैं, परमिट हासिल कर सकते हैं। अगर आपको परमिट नहीं मिलता है फिर भी तो आप अपने नजदीकी बस ऑफिस जाकर जहां से उमरा की बस जाती है उन लोगों से परमिट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी परमिट आसानी से दे देते हैं। उसके बाद जो लोग भी जिद्दा से तैब जाएंगे सऊदी एयरलाइंस के टिकट के जरिए, तो उसके वेबसाइट पे भी जाकर आप उमरा का परमिट हासिल कर सकते हैं। ये बहुत आसान सा तरीका है, जो लोग भी
फ्लाइट से सफर करते हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज है। तो आज के लिए इतना ही सही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।